हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, उसका थोड़ा सा पर्सनल रीज़न था। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो लाइफ क्या है ना, लाइफ हमेशा ऐसे ऐसे चलते रहती है, पर एट द एंड लाइफ को जाना ऊपर ही है। कल हुआ क्या कि एक दोस्त था मेरा, उसकी जॉब लग गई। और कह सच बात बताऊँ तो वो मेरा एक ही दोस्त था, मेरे और कोई दोस्त है नहीं। और उसकी जॉब लग गई तो कल मुझको फ़ोन करके बताया, खुश था वो, मैं भी बहुत खुश था उसके लिए, आई वॉज़ हैप्पी। पर उसके बाद फिर कह रहा है, भाई अब लग रहा है बातचीत कम हो जाएगी। हाँ, आई टोटली एग्री कि बातचीत कम हो जाएगी, यही सब पढ़ाई लिखाई की बात अब वो नहीं करेगा मेरे साथ। और मैं अभी भी पढ़ाई के मूड में ही हूँ, साथ के जितने थे सब आगे बढ़ गए, कमा रहे हैं, और मैं अभी बैठकर बस पढ़ रहा हूँ अपना। तो ठीक है, लाइफ ऐसे ही चलती है, ये मेरा चॉइस था पढ़ने का, ये जॉब थी तो मैंने जॉब को छोड़ दिया, कि जॉब के पीछे मैं कभी गया ही नहीं, कि नहीं जॉब नहीं करना, उसको छोड़ो। तो क्यों छोड़ो? क्योंकि कुछ बड़ा करेंगे, करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। जो आपने सुना है ना, मेक इट लार्ज वाला कंसेप्ट है अपना, करेंगे तो बड़ा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, मेरा चॉइस था। और जहाँ तक बात रही यार कि आपका एक सैडनेस का दरिया है, आप उसमें डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, अकेले हो, लोनली हो, बी अलोन, ठीक है ये चलेगा, बट डोंट बी लोनली, ये नहीं चलेगा। बहुत काम है यार, करो, बहुत काम है। तो ठीक है, और इसी सैडनेस के दरिया में आप अंदर ही अंदर जा रहे हो, मरियाना ट्रेंच बना दिए हो घुस घुस कर उसको। और हो क्या रहा है, आपके जो साथ के जो थे वो सब रेस में कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे, यही चल रहा है। और आप अभी लाइन आपने स्टार्ट ही नहीं की, क्यों? क्योंकि शायद आपको इस रेस में ही नहीं भागना, आप स्टार्ट ही करोगे गाड़ी से। तो ठीक है, ये अपनी चॉइस है, आप यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हो, और वेट करने से नहीं होता ना, आप गाड़ी बना रहे हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या है कि ये जो मिडिल क्लास का लड़का है ना, ये मिडिल क्लास लड़का प्लस जनरल, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बो, ये सही है नहीं, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अब सही है नहीं तो बनाएंगे इसको। देखो यहाँ पे अपनी चॉइस भी अपनी है, कॉम्बो भी अपना है, बस यही है, सैडनेस के दरिया से थोड़ा बाहर निकलो अपने। देखो मैं अपने दोस्त के लिए लिटरली बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे साथ ही था, उसको भी कितने डेस्परेटली जॉब चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, कि उसको जो चाहिए था उसने उसको छोड़ के नॉर्मल बस निकला, कि ठीक है ज़िंदगी चलेगी, पैसे रुपए कमाएंगे। सोच बड़ी थी, पर शायद लाइफ के इस स्टेज में उसकी अपनी परेशानियां रही होगी कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया। तो ठीक है, उसकी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। और बात रही कि सैडनेस का दरिया आपका मरियाना ट्रेंच, जिसमें आप घुसे जा रहे हो, मत घुसो भाई, काम करो। ये वीडियो बस इसलिए मुझको लगा कि अगर मैं सेल्फ को मोटिवेट कराऊँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को सिमिलर सेल्फ को, समझ रहे हो आप, जो आप लोग, उनके लिए भी किसी को हेल्प हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो आप लोग काम कर रहे हो तो प्लीज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब वीडियो देखने का, मेरे ही नहीं किसी का मत देखो, बस अपना काम करो, आगे बढ़ो। और अगर कोई देखना चाह रहा है तो देख लो भाई, अगर इससे हेल्प मिल रही है तुमको, तुमको लग रहा है कि तुम, देखो एक चीज़ बता दूँ, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। बहुत लोग हैं कि तुम उनसे आगे हो ऑलरेडी, बहुत है तुम उनसे बहुत पीछे हो, तो तुम जहाँ पर हो तुम अकेले नहीं हो, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो ये नहीं सोचना है कि भाई हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, सबके साथ होता है भाई, चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, मज़े लेने दो ज़िंदगी को, कभी हम भी ज़िंदगी के मज़े लेंगे। तो जब हम मज़े लेंगे तो ज़िंदगी को फिर समझना पड़ेगा। तो ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए अभी ज़िंदगी को मज़े लेने दो। और बाकी रही पीयर ग्रुप प्रेशर, तो ये मेरा सिंसियर एडवाइस है, देखो सब कुछ करो, कॉम्प्रो मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है, कभी नहीं करना चाहिए।
आप देखो जब पार्टीशन हुआ था, कॉम्प्रोमाइज ही था, पाकिस्तान गया, एक बार का कॉम्प्रोमाइज देखो कैसे आज तक हमें परेशान कर रहा है। तो कॉम्प्रो नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना है। ये चीज़ तो मुझको पार्टीशन सिखाती है कि उस समय लगा ठीक है, नहीं करना था भाई पार्टीशन, क्यों करना था, भारत एक है, एक ही रहना चाहिए था। और देखो इतना पढ़ो लिखो, पावर हाथ में लो ना, कभी पाकिस्तान को जोड़ ही लो। कॉम्प्रोमाइज अगर कोई कर रहा है उसको आगे जाके ठीक भी कर सकते हैं, पर ठीक है अभी तो फिलहाल अपने सपनों के पीछे भागो, ज़रूरतों के पीछे नहीं। ये चीज़ मुझको मेरी मम्मी ने सिखाई थी, ज़रूरतें तुम्हारी हम देख रहे हैं, तुम अपने सपनों के पीछे भागो। और हाँ ये जो मैंने बोला है ना मम्मी, ये मम्मी ऐसी होती है ना, अगर कोई भी तुमको चाहिए एडवाइस लाइफ में और लगे कि अरे कोई नहीं हो रहा है बताने वाला सही गलत, इनसे पूछो, इनसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं सोचेंगे सेल्फलेसली। अगर मैं आज जॉब करूँगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मी को अच्छा फ़ोन दूंगा, अच्छी अच्छे कपड़े दूंगा, अच्छी साड़ी खरीदूंगा, बहुत अच्छे अच्छे, मम्मी को एक काम नहीं करने दूंगा। पर ठीक है, मम्मी सेल्फलेसली मेरे बारे में सोचती है, कहती है नहीं, तुम जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो कुछ बड़ा है, तो कुछ बड़े अचीव करने के लिए छोटी चीज़ें मत सोचो तुम। तो इनसे पूछो अपने अपने घर में, और मतलब वो सही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही था, अपने मरियाना ट्रेंड से निकलिए, थोड़ा मम्मी के साथ टाइम बिताइए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, खुश रहिए, अपने चॉइस आपने खुद किया अपनी लाइफ का। आज अगर कॉम्प्रो करोगे तो उस समय कोई और आपका ड्रीम जी रहा होगा तो लगेगा वो नहीं करना चाहिए था। तो अपने चॉइसेस के ऊपर भी बिल्कुल हैप्पीली आगे बढ़ते रहिए, और दूसरों की जितनी मदद हो सके सिमिलर सेल्फ की मदद करो। यहाँ पे मैं कंसेप्ट मेरा ये सिमिलर सेल्फ SS, तो दूसरों की मदद करते रहो, एंड जस्ट टू लेट यू नो यू आर नॉट अलोन। तो ठीक है बस इतना ही था, छोटा सा मुझे बताना था जो मैं सोच रहा था कि बताऊं ना बताऊं, फिर सोचा अरे यार जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, मैं बता सकता हूं तो मैं बता ही देता हूं। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।